हेलो जी, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? सबके हाल चाल सब बढ़िया सब मौज? दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे बड़े अच्छे लगते हैं इस गीत को आप किस प्रकार से अपने पियानो के ऊपर बजा सकते हो इजी वे में, एकदम आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन में आपको प्ले करके बताऊंगा। फिर हम इसे शुरुआत से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, सीखेंगे कि किस प्रकार से आप इसको अपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बजा सकते हैं। शुरू करते हैं, इसको हम प्ले करें सी शार्प स्केल में, ठीक है? मैंने अभी नॉर्मली पियानो ट्यून ले रखी है, ग्रैंड पियानो, आप कोई भी धुन ले सकते हो, जैसे संतूर। इसमें बहुत प्यारा लग रहा है, किसी भी आप टोन में इसको सेट कर सकते हो, लेकिन पहले कोई भी एक पर्टिकुलर टोन में आप सीख लीजिए, फिर चेंज करते रहिए अपने पसंद के हिसाब से, ठीक है? बहुत ही प्यारा मुखड़ा, बहुत ही ईजी है, छोटा सा। उसके बाद में इसका जो अंतर है वो भी बहुत छोटा सा ईजी है। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं इसको, गाने की पहली लाइन कुछ इस तरह, ठीक है? बड़े अच्छे लगते हैं, फिर लगते हैं पहली लाइन को फिर से, ओके? फिर, ठीक है, बहुत ही प्यारा। तो इस तरीके से ये है गाने का पहली लाइन। तो इसको हम, आप वीडियो को पॉज करके इसको प्रैक्टिस करें, तब तक मैं आपको एक मस्त चीज़ बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको कंप्लीट पियानो सीखना है तो आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, तो कमलेश मैजिकल की सो पियानो, जिसके ऊपर जैसे आप ओपन करते हो तो मेरा एक कम्प्लीट कोर्स है पियानो का, जो कि आपको हेल्प करता है शुरुआत से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक पियानो सीखने में मदद करता है। यहाँ पे आप 3 डॉट के ऊपर जाएंगे तो स्टडी मटेरियल के ऊपर क्लिक करके आप कई सारे गानों के पियानो नोट्स देख सकते हैं शुरुआत में सीखने के हिसाब से, और फिर बाद में यहाँ पे स्टोर के ऑप्शन में जाके आप कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें कंटेंट में जाके बहुत सारे ऐसे लेसन हैं जो शुरुआत से लेकर एडवांस लेवल तक आपको हेल्प करते हैं। ये कोर्स है 499 का है, लाइफ टाइम इसका एक्सेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप एप्लीकेशन के ऊपर ज़रूर जाएँ। धन्यवाद। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे गाने की तरफ, गाने की दूसरी लाइन, ठीक है? ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, ठीक है? तो पहली लाइन से एक बार फिर से प्ले करेंगे, जो कि शुरू हो रही है यहाँ से डी शार्प से। ठीक है, इसके बाद में पहला पार्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तीनों को साथ में, फिर या सिर्फ इतना भी आप प्ले कर सकते हो और तुम, ठीक है, खत्म, ओके? सेम मुखड़ा पार्ट 2 बार। तो इस तरीके से मुखड़ा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप स्टेप समझ के गाने को सुन के ओरिजिनल स्केल में बजा सकते हैं, ठीक है? और उसके साथ ही जो इसके आगे के स्टेप्स हैं उनको आप सुन के अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हो। लिरिक्स सिर्फ याद रखिए, मेलोडी अपने माइंड में रखिए, और फिर एक पर्टिकुलर स्केल में एक्सपेरिमेंट करते करते ढूंढिए पूरे मुखड़े पार्ट को एक बार फिर से। फिर बढ़ते हैं गाने के अंत की तरफ। मुकड़े यहाँ पे डन। अब बढ़ते हैं गाने के अंतरी पार्ट से, पहले एक छोटा सा पार्ट है, ओ मांझी रे, ठीक है? ये एक छोटा सा पार्ट है 2 लाइन का, जो कि हम शुरू कर रहे हैं सी नोट से, हाई ऑक्टेव के सी नोट से। इसके बाद में या फिर सिंपली, ओके। अब गाने के अंत की पहले लाइन शुरू करता है। पहले मैं आपको पूरा अंतरा प्ले करके बता देता हूं, हम तुम इतने पास है कितने, वो वाले, ठीक है? और फिर हम इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। Thank you.
डन है जी, बहुत ही प्यारा है, जिसको हम शुरू करें सी शार्प से, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वन टू थ्री फोर, इन चार नोट के ऊपर है पहली लाइन, फिर इसके बाद में सी 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 ए शार्प सी 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 शार्प, दोनों लाइन एक साथ, इसके बाद में ओके तीसरी लाइन हो गई, फिर चौथी लाइन, ठीक है चार लाइन का हमारा अंतरा बन गया, तीसरी और चौथी लाइन एक बार फिर से, इसके बाद में वही हमारा शुरुआत का मुखड़े पार्ट की मेलोडी, सिर्फ यहां पे लिरिक्स चेंज। ठीक है, तो अंतरिक्ष सिर्फ चार लाइन डिफरेंट है, फिर बाद में वापस वही मुखड़ा आ जाता है, और उसके बाद में जो अगला अंतरा है उसके भी सिर्फ चार लाइन मतलब वही सेम अंतरा का जो अभी हमने सीखा वही वहाँ पे होगा, मेलोडी सेम, लिरिक्स ओनली अलग। आप इसको अलग अलग स्केल के ऊपर प्रैक्टिस करके अपने थोड़ी और पकड़ बना सकते हैं, जैसे समझ लीजिए ठीक है कोई भी डिफरेंट स्केल, हर नोट से आप शुरू करके गाने को अपने हिसाब से ढूंढ सकते हो, अपने हिसाब से आप परख सकते हो और एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये है बड़े अच्छे लगते हो जो हमने इस वीडियो में सीखा, आप इसको प्रैक्टिस करें, वीडियो को पॉज करें और स्टेप बाय स्टेप, कहीं पे भी नहीं समझ में आए तो देन वीडियो से हिंट लेके अपने हिसाब से बजाना, अपने कानों के ऊपर विश्वास करके गाने को सुन के बजाना सीखें। थैंक यू वेरी मच, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी एप्लीकेशन चेक कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। गुड बाय, टेक केयर।